दोस्तों आज की कहानी है देवरानी, तुम तो समाधान लेकर पधारी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। देखो तो आजकल की लड़कियों को जरा दर्शन नहीं होता, पेट कटवा कर बैठ जाती हैं गीता बाबा। नहीं तो क्या, थोड़ा सा सब्र कर लेती बच्चा अपने आप नॉर्मल डिलीवरी में ही हो जाता। 3 दिन में लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। सारी आपत तो बेसारी भाभी जी को भुगतनी पड़ेगी, अस्पताल और घर के शक्कर लगाने पड़ेंगे, बच्चा संभालना पड़ेगा। सो अलग बबीता बुआ भी काफी से रहने वाली थी। तभी सुषमा जी बोली, और नहीं तो क्या जीजी, मेरी तो आफत हो गई, इधर बचा हुआ नहीं कि इधर उसे दूध सही होता। और महारानी जी 2 दिन से तो बेहोश पड़ी, मेरे पोता दूध के लिए तड़प रहा है, तुम्हारा भतीजा कहीं गाय का दूध ला रहा तो कहीं पाउडर का दूध घोल कर ला रहा है। नर्स बोल रही थी होश में आती माँ का दूध निकलने लगे, इसके लिए प्रयत्न करेगी, अब बताओ हमारे समय तो दूध की धार लग जाती थी और यहाँ इनको निचोड़ कर निकालना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है, जब वर्षा को हल्का हल्का दर्द उठा तब उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 8 घंटे बीतने के बाद भी हालत जस के तस बने रहे, तब डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी क्योंकि बच्चे की गर्भनाल उसके गले में फंस रही थी। बड़े हंगामे के बाद सास सुषमा जी ने ऑपरेशन की इजाज़त दी। ऑपरेशन के बाद उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं था, वर्षा पूरी तरह बेहोश थी, दर्द की दवाई का नशा था, उसके कानों में हर आते जाते व्यक्ति की बात पड़ जाती थी। वैसे एक नई माँ कितनी डरी हुई होती, ऊपर से पुराने लोगों की बात सुन वह अंदर से सियन रही थी। किसी ने उनकी व्यथा जाने बगैर ही अपनी परेशानी उसके सामने रख दी। डॉक्टर के चेकअप के बाद नर्स ने उसके स्तनों को दबाकर धीरे धीरे दूध निकालने का प्रयास किया, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक दूध बूंद पीला गाढ़ा दूध निकला तो नर्स ने तुरंत बच्चे को उसकी साथी से लगा दिया। धीरे धीरे नर्स के प्रयास से 3-4 दिनों के अंदर दूध निकलने लगा, मगर मात्रा कम होने की वजह से ऊपर का दूध भी साथ में देना पड़ रहा था। वर्षा के अस्तपाल से छुट्टी हुई, उसके बाद घर पर उसने नर्स के बताए तरीकों से अपने बेटे अरु को बेस्ट फ्रीड कराना शुरू किया। समझ कम ही आया, मगर वो नई माँ सास से शर्म के मारे कुछ पूछ नहीं पाती थी, जितना समझ में आता उतना करती। कभी उसे पकड़ने में परेशानी आती तो कभी बच्चा दूध नहीं पीता या फिर ज़्यादा रोता रहता तो सास कहती इसे हर आधे आधे घंटे में दूध पिलाओ, खाने में भी मूंग दाल दलिया ही मिलना, जिस कारण उसे भी बहुत तेज भूख लगती। अगर वह कुछ खाने को मानती तो सास कहती तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, हम घी लड्डू तुम्हें दे नहीं सकते, इसलिए जो मिलता उसे मैं पेट भरो। बार बार दूध पिलाने के कारण निपल में रेंसेस हो गए, बार बार फीड कराने के चक्कर में कटाव और दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर ने क्रीम लगाने को दे दिया, क्रीम पूरे दिन में कितनी बार लगाती, वर्षा की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे 1.5 महीने निकले, सूरज पूजा जच्चा और बच्चा को कमरे से बाहर निकालने वाली पूजा में उसकी देवरानी प्रिया शामिल होने आई क्योंकि वह अपने ऑफिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में देश से बाहर गई हुई थी, इसीलिए अरु के जन्म के समय पर नहीं पहुंच पाई थी।
फंक्शन खत्म होने के 2 दिन तक बीरिया अपनी जेठानी की परेशानियों को देख रही थी। ना ही उनसे बच्चा उठाया जा रहा था और ना ही वह अरु को ठीक से फिंड कर पा रही थी, क्योंकि दूध भरने के कारण इस मन में सूजन आ गई थी। बच्चा अपने हिसाब से दूध भी लेता और सो जाता। जब तक वह सोकर नहीं उठ पाता तब तक दूध रिसाव की परेशानी से भी वर्षा को हो रही थी। प्रिया ने अपनी सास से परेशानी साझा करने की कोशिश की तो वह बोली, अरे बच्चा छोटा है तो ये सब चलता रहेगा, तुम इन सब में मत पड़ो, वह माँ ही अपने आप देख लेगी और कुछ दिनों बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रिया सुन बहुत हैरान हुई, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वर्षा भाभी की रातों की नींद उड़ गई, उनका शरीर भी कमजोर होता जा रहा। वह तुरंत बाजार निकल गई और वहाँ से कुछ सामान खरीद कर अपनी भाभी वर्षा के हाथों में थमा दिया। ये लो भाभी, आपकी समस्या का समाधान, बोल मुस्कुराई। वर्षा को लगा बच्चे के लिए कपड़े खिलौने होंगे जो सभी लोग नए बच्चे के लिए ला कर देते, मगर ये क्या, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग पिलो तक या पंप ब्रेस्ट फीडिंग प्रा और गाउन भी, जिससे बेबी को दूध फीड कराने में आसानी हो। बोतल सेट स्टीमर बोतल सफाई के लिए डाइपर जो सासू माँ ने पहनाने के लिए मना कर दिया था, नई माँ के लिए प्रोटीन पाउडर बिस्किट मेवे के लड्डू जिससे भाभी को कमजोरी ना हो ताकत भी बने। प्रिया ये सब क्या, इनमें से कितनी चीज़ों का इस्तेमाल तो मुझे आता ही नहीं। अरे मैं हूँ ना भाभी, मैं आपको सब सिखा दूँगी, इसलिए सबसे पहले आप एक गिलास दूध पाउडर मिक्स पीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए, ये तकिया अपनी गोद में सेट करिए और इस पर अरु को आराम से लेटा दीजिए और उसे फीड कराइए। प्रिया के कहे अनुसार वर्षा ने जो किया उसे बड़ा अच्छा लगा, हर चीज में उसे सहूलियत होने लगी। 15 दिन में ही प्रिया ने वर्षा भाभी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। एक बात बताओ देवरानी जी, आपकी शादी को तो 1 ही साल हुआ, आपके पास इतना अनुभव कहाँ से आया? तो प्रिया हंसते हुए बोली, वर्षा भाभी मैं 3 बहनों में सबसे छोटी हूँ, दोनों दीदियों को जब डिलीवरी हुई माँ तो जान नहीं सकती थी, इसलिए मुझे वहाँ देखभाल के लिए भेजा। तभी मैंने अपनी दीदियों और उनकी सास लोगों और मेरी माँ से मुझे बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो गए और फिर मुझे गूगल करने का तो बहुत शौक ही था। जैसे ही दीदी को कोई समस्या में गूगल करती और समस्या का समाधान मेरे सामने होता, बस ऐसे सब सीख गई। अब आपको भी यही स्तनपान से संबंधित परेशानी से परेशान होते देखा तो तुरंत सारी बातें याद आ गई। वाह देवरानी, तुम तो मेरी समस्या का समाधान लेकर पधारी। कुछ दिनों बाद प्रिया वापस अपने वर्क प्लेस पर चली गई, साथ में आगे भी वर्षा की मदद करती रही। अब जब भी दूध भरने के कारण उसके स्तन भारी होते तो ब्रेस्ट फीडिंग पंप की मदद से सारा दूध एक बोतल में भरकर रख लिया करती और वन बाय कभी खुद से तो कभी बोतल से बच्चे को दूध पिलाती, जिसकी वजह से उसे निपल रेसिस में आराम पड़ने लगा। लीकेज की समस्या से कपड़े खराब होना भी कम हो गए। धीरे धीरे 6 महीने में बच्चा और माँ संभल गए और 9 साल का हो गया। देवरानी प्रिया की एक बेटी अब जब भी छुट्टियों में सभी इकट्ठा होते हैं तो पुराने दिनों को याद कर वर्षा देवरानी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। तभी अरु पीछे से प्रिया के गले लग जाता है, कहता है, छोटी मम्मा आप मेरे लिए इस बार क्या गिफ्ट लेकर आई? अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें फायर लेस कुकिंग सिखाऊंगी, जिससे मम्मी कभी व्यवस्थ हो तो तुम अपनी भूख खुद ही मिटा सको। कहते हुए वर्षा प्रिया दोनों ठाके लगा कर हंस पड़ी। दोस्तों स्तनपान कराना एक नई माँ के लिए मुश्किल भरा होता है, आसपास के लोग उसे सलाह तो देते हैं मगर करना
कैसे ये कोई नहीं बताता, कुछ शर्म और झिझक भी होती।